16 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी जिले के मजरा में एम्स की आधारशिला रखेंगे। 210 एकड़ में बनने वाले इस एम्स में प्रथम चरण में 1200 करोड़ से भी ज्यादा का बजट निर्धारित किया गया है। ये कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। वे सोमवार को नारनौल में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को 16 फरवरी का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अब हमारा सपना साकार हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अब से पहले क्षेत्र की जनता को इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब इसके निर्माण से यहाँ के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। 7-8 बरस लग तो गए, लेकिन ये हमारा सपना अब साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री 16 तारीख को 1 बजे के करीब माजरा के मैदान के अंदर अपने हेलीकॉप्टर के मार्फत लैंड करेंगे, और जो हमारे को चिकित्सा की दिक्कत हुआ करती थी इस क्षेत्र को, दक्षिणी हरियाणा को ख़ास तौर के ऊपर, कभी तो दूसरे प्रांत के अंदर जयपुर जाना पड़ता था और कभी रोहतक जाना पड़ता था, तो दिक्कत आती थी रहने की भी और व्यवस्था की भी। वो अब सपना साकार होने के बाद यहीं पर चिकित्सा मिल जाएगी, और जो इर्द गिर्द का एरिया है उसको भी संपन्न होने की उम्मीद है, क्योंकि एम्स के साथ लोगों के कोठे घर किराए पे भी चढ़ेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी हज़ारों के अंदर, और यहाँ से बच्चे निकल करके जाएंगे, वो या तो डॉक्टर बनेंगे या नर्सेज बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने जो हमको सौगात दी है, उसके लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर उनका धन्यवाद करने के लिए 16 नवंबर को माजरा पहुंचना चाहिए, तो उनको इनवाइट करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 16 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में रेवाड़ी के मजरा में पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करें। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, सरकार उनकी मांगों को लेकर किसानों से बातचीत करने में भी लगी है। अगर हम बात करें तो रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी सौगात मिलने जा रही है, इसको लेकर प्रदेश के लोगों में काफी खुशी का माहौल है, और बीजेपी उस कार्यक्रम को भव्य और एक यादगार बनाना चाहती है। नारनौल से जोगेंद्र कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।